बुलंदशहर से रिशु कुमार, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। 12 घंटे गुल रही आधे नगर की विद्युत आपूर्ति। नगर जेल ने नहीं सुनी लोगों की शिकायत। बुलंदशहर के शिकारपुर नगर में थके हारे काम से लौटे खाना खा पीकर बिस्तर की ओर बढ़ रही थे कि बिजली गुल हो गई। रात के 11 बज रहे थे, एक घंटे बाद भी बिजली नहीं आई तो मोहल्ले वालों ने बिजली विभाग के नंबर 9193302323 पर फोन लगाया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। आधे नगर के अधिकांश घरों के लोग बाहर खड़े थे। रात 12 बजे के लगभग पता चला कि यहां 400 केवी का ट्रांसफार्मर फूंक गया है। सुबह को दूसरा ट्रांसफार्मर लाया जाएगा, उसके बाद बिजली आएगी। मोहल्ले के कुछ लोगों ने बिजली विभाग के CUG नंबर 9193302312 पर कॉल लगाया गया। यहां से जवाब मिला कि सुबह तक बिजली चालू हो जाएगी। सुबह लगातार नगर जेल शत्रुघ्न कुमार को भी लोगों ने कॉल किए, लेकिन एक भी कॉल नहीं उठा। दोपहर 1 बजे जाकर बिजली सप्लाई सुचारू हुई। ट्रांसफार्मर जो फूंक गया था उसका मरम्मत कार्य भी चल रहा था। विजय मित्तल, चीनू मित्तल, आकाश मित्तल, हेमराज खान ने कहा कि बिजली न होने से पूरा रूटीन ही खराब हो गया। पूरी रात जागते रहे, अगले दिन दुकान ऑफिस भी नहीं जा सके, गए तो लेट जा पाएंगे। ट्रांसफार्मर के लोड को लेकर पहले भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। यहां तार जर्जर हो चुके हैं, लेकिन इस पर भी अधिकारियों का ध्यान नहीं। संदीप कुमार सिंघल ने कहा है कि ट्रांसफार्मर नया लगाया जाए तो फूटने की समस्या ही न आए। यहां बार बार पुराने ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किए जाते हैं, जब कॉल करके अपनी शिकायत बताओ तो जवाब नहीं मिलता। यही रविवार की रात को भी हुआ, जब मरम्मत के बाद लाया गया ट्रांसफार्मर भी फूट गया। बिजली विभाग पुराने सामान से काम चला रहा है। प्राइवेट लाइनमैन नगर के लोगों की समस्या सुनता नहीं और बिल बकायेदारों पर रोजाना चक्कर लगाता रहता है। जो बिल जमा करने के लिए समय मांगता है तो बिल उपभोक्ता से प्राइवेट लाइनमैन पहले अपनी जेब के लिए बोलता है। जो प्राइवेट लाइनमैन को दे देता है तो उसके घर व दुकान पर जाता नहीं और न ही बिजली विभाग के अधिकारियों को ले जाता है। जो नहीं देता उसके घर व दुकान पर बिजली विभाग के अधिकारियों को ले जाता है और कार्यवाही करवाता है। क्या बोले, 12 घंटे बिजली नहीं आने पर अधिकारी SDO रामाशीष यादव ने कहा कि इलाके में 400 केवी ट्रांसफार्मर फूंक गया था, जिसके बाद इसे बदला गया, लेकिन दूसरे ट्रांसफार्मर पर सिर्फ थोड़ी ही लाइन का लोड जा सका। मरम्मत कार्य पूरा हो चुका है, अब नगर में कोई शिकायत नहीं है। नगर में बिजली सप्लाई सुचारू होने से लोगों ने ली राहत की सांस।